वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया में सिलसिले से कीमती जानों के ज़ियाब पर अफसोस का इजहार, मुतासर खानदानों से हमदर्दी का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क की हर मुमकिन मदद करेगा। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही। शहबाज शरीफ। तुर्किया की डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की बैन अल-अक़वामी इमदाद की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्किया और शाम के जलजिला से मुतासर इलाकों में मदद की हिदायत। तुर्किया और शाम में जलजिले की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज FIR मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। एक ही वकूए पर मुख्तलिफ शहरों में FIR कैसे हो सकती है? अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल्स मामलत करें। समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत की समाअत। रहदारी रिमांड की सदा मुस्तरद। सरकारी वकील की तरफ से दलाइल के लिए मोहलत तलब। समाअत 12 बजे तक मुलतवी। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल। जैसे खाकी को आज दुबई से पाकिस्तान लाया जाएगा। साबिक सदर की तदफीन कराची में की जाएगी। मैयत की मुंतकली के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं दफ्तर खारिजा का एलामिया। बुजुर्गों की तरह घर में छुपा शख्स जेल भरो तहरीक की बातें कर रहा है। जेलें भरनी हैं तो कारकुनों को ढाल मत बनाओ, जमानतें मंसूख कराओ, फिर मैदान में आओ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोई इंतकाम नहीं लिया। दूसरों को रुलाने के दावेदार 2 घंटे की गिरफ्तारी पर ही रो पड़े। इनकी शक्लें देखकर अपने कायद पर फख्र महसूस होता है। नून लीग कौम को मुश्किलात से निकालेगी मरियम नवाज। क्या मरियम नवाज मुल्तान वालों को ये बताने आई कि आटा और पेट्रोल महंगा, बिजली और गैस नायाब हो गई? नूली की रहनुमा गुजरे 9 माह के दौरान होने वाली माशी सर्जरी का जिक्र क्यों नहीं करती? लोग लाइनों में लगकर धक्के खा रहे हैं। हुक्मरानों को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। डरने वाले नहीं, इरादा है तो बेशक मुझे हथकड़ी लगा लें। शाह महमूद कुरैशी। MQM का 12 फरवरी को कराची में फवारा चौक पर धरने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए सिंध हुकूमत को एक हफ्ते का अल्टीमेटम। अब कराची वाले ही शहर की किस्मत का फैसला करेंगे। धरना ऐसा होगा कि सब धरा रह जाएगा। पहले ही वाज़े किया था कि छीनी गई सीटें वापस लेंगे। अब दूसरा इलेक्शन लड़ना है, लोग अपना हक लेने के लिए घरों से निकलें। खालिद मकबूल सिद्दीकी। और मरी आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। नज़ारे सफ़ेद हो गए, मौसम हसीन। आज़ाद कश्मीर में राबता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से रिमझिम। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश की पेशगोई।